कीरतपुर से निरचौक तक फोरलेन निर्माण में लगी कंपनी को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने करोड़ों की रिकवरी निकाली है। ये परियोजना अब जल्द ही बनकर तैयार होने जा रही है और अप्रैल माह से इसे छोटे वाहनों के लिए शुरू करने की योजना भी बनाई गई है। ऐसे में अब लोक निर्माण विभाग बिलासपुर ने फोरलेन निर्माण में लगी कंपनी व नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 3,74,00,000 रुपये की रिकवरी निकाली है। फोरलेन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली भारी भरकम मशीनरी से लोक निर्माण विभाग की करीब 11 सड़कें खराब हो गई है और अब उन पर चलना खतरे से खाली नहीं है। यही वजह है कि अब परियोजना के पूरे होने के साथ साथ लोक निर्माण विभाग ने उनकी टूटी फूटी सड़कों की बदहाल स्थिति को सुधारने के बारे में भी पत्र लिखा है। लोक निर्माण विभाग की 11 सड़कों को फोरलेन निर्माण से नुकसान पहुँचा है। जो नेशनल हाईवे के द्वारा जो नेशनल हाईवे रोड बना रहा है, उन्होंने जो हमारी लिंक रोड यूज़ किया है उसमें हमारी कोई 11 रोड क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन 11 रोड की जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इंटीमेट किया है वो 3,71,00,000 के आसपास है। तो अभी जो ओडिशा की मीटिंग थी उसमें भी मुद्दा उठा था, तो उसमें मंत्री जी ने भी डायरेक्शन दी है और उसमें DC साहब को भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि एक कमेटी बनाई जाए और उसकी साइट इंस्पेक्शन की जाए ताकि जो हमारे रोड विलेज रोड जो भी डैमेज किए हैं उसकी या तो हमें उसके उतना मुआवजा डिपॉजिट करेंगे या खुद ही उसको सर्विसेबल कंडीशन में ला के उसको ठीक करेंगे।